तो मैं इसलिए बहुत थोड़ा लेट हो गई, और आज मैं वो कल से मेरी तबीयत ख़राब है, और मैं मम्मी कह रही थोड़ा चल फिर ले, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे बुखार भी बहुत हो रहा है। कल तो 99 हो गया और आज पता नहीं कितना होगा। अभी जाके मुझे आराम मिला है, मम्मी खाना खा रही है, वो कहे कि चल तू थोड़ा आराम कर तो मैं तुझे छत पर ले चलती हूँ धूप खाने, तो धूप रुक लूँ और बाहर तक मैं थोड़ी देर दादी को सारा काम हो जाएगा तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, उससे कुछ क्या हो और बाद में वो मेरा चेकअप करेंगे। और वैसे मुझे रात को इतनी दर्द हो रहा था, मैं रात को बहुत मुश्किल से सो पाई। मम्मी ने कहा अच्छा मैं तेरे को सुला लेती हूँ अपने पास चिपका के, है ना। आज भी मम्मी मुझे अपने पास सुलाएंगी, ये तकिया है आधे पर की सोए आधे पर मैं, और मम्मी थोड़ा दूर होके सोई, कोई बात नहीं। फिर भी मैंने दर्द हो रहा था, मैंने कैसे भी करके सो लिया, और जहाँ मैं लेती हूँ ये वहीं मेरा भाई लेता था। मैं बहुत थक चुकी थी तब तक मेरा भाई सो गया और मैं लास्ट में सोई थी, क्योंकि बहुत थकान हो रहा था और भूख भी बहुत लग रही थी। मन कर रहा था कि छोटा सा कोई चीज़ खा लो, सुबह उठी तो सेब खाई थोड़ा कुकी, और हमारे कोई सामान आए थे वो हमने पलंग पे रख दिया। मैंने एक केक खा लिया है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, दो खा लिया, मम्मी ने कहा दो निकाल ली हूँ तो खा ली, मम्मी ने दे दिया। और फिर मम्मी खाने जा रही है चावल, चावल खा रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही, तभी मैंने कह दिया चल तू कल स्कूल ही मत जाइयो। मैंने सोचा अभी स्कूल का क्या, क्योंकि पिकनिक था और पिकनिक के लिए हमें बहुत पैसे चाहिए, तो मैंने ये पिकनिक खा दी। और क्रिसमस आ रहा है पक्का, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं जा पाऊँगी कहीं घूमने, अगर नहीं हो पाए तो सोच लो। हाँ यही है मेरा केक जो पीछे रखा है, पहली बार तो मैंने इसको ख़त्म कर लिया है, यही मम्मी ने पूरा पैकेट है, और ये दो थे एक मम्मी रखे, क्योंकि मैं इसे अब नहीं चला सकता और मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मच्छर बहुत है और बहुत थक चुकी हूँ मैं, क्या करूँ। अपने देखो था भी तो नहीं पा रही मैं, क्या करूँ, कभी कभी उठाना पड़ जाता है, ऐसे कौन नहीं उठाएगा मुझे, मम्मी उठाती हैं, कभी पापा उठाते हैं, कोई भी उठाता है, पढ़ा मुझे रात को सोने में दिक्कत आई, पता नहीं किसकी, सर में मेरा फत्ता जा रहा है। अभी मैं थोड़ी देर में आई हूँ, मैंने सोचा तो रब लोग बना ली थी, लोग बना सीधा थोड़ी देर सीधा सर फटने लग गए, मैं दवाई खाई तो मैं सो गई, और कल ही मैंने कल तेल लगा दिया गर्म कर सोने से पहले। बाप रे बाप, मैं इतनी जल रहा था मेरा सर, मैं कैसे बिगड़ के सो। मैं अपने देह को ही नहीं उठा पा रही, कभी कभी उठा लेती हूँ तो आराम मिल जाता है, ऐसे तो नहीं उठा पाती। क्रिसमस चला जाएगा तो मेरा बर्थडे भी आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊँगी, क्योंकि क्रिसमस तो जल्दी आने वाले हैं। तो गाइस हम क्रिसमस के दिन कहीं जाएंगे और आपको दिखाएंगे, वहाँ पक्का एक बार ऐसा ट्री लगा होगा, ये मच्छर बिना परेशान करते हैं मुझे। मैं कब छत पे जाऊँ और कब छत की हवा खाऊँ, पर हाँ वहाँ हवा भी आएगी, बस मुझे मच्छर बालों पे बैठते हैं, क्या करूँ गाइस। मेरे को प्लीज़ एक लाइक दे दो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे को बुखार लगे, इतनी मेहनत से आज भी बनाया, मम्मी तो नहीं बना पाई, वो खाना खा रही थी, तो आज मैं नहीं बनाती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो करो, इतनी मेहनत करके बना रहे हैं टाइम लेके, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ गाइस, इतना तो कर दो।
अब मेरे से और नहीं लेता जाएगा तो मेरे को उठना पड़ेगा। ये कंबल बहुत मोटा है और हाँ, मुझे बाद में अपना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो पता नहीं क्या चला। रात को मुझको बहुत, और ये कब से हुआ मैं आपको बताती हूँ। शाम को गई मैं ट्यूशन में, गई छुट्टी होने वाली थी, मेरे पूरा सर दर्द हटा जा रहा था, मेरा देह भी बहुत गर्म था। आई मम्मी ने जल्दी बताया, मम्मी के लेट गई, मम्मी ने मेरा छुआ, कहा कि बहुत गर्म है। और जब मेरा बुखार किया तो आया 99, और 99 क्या होता है वो भी नहीं पता था। मम्मा मैं कभी कभी उठ लेती हूँ, कभी कभी नहीं। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ कितना परसेंट है। चलो आओ कर लेते हैं, आ जाओ। जब बजेगा तब मैं ये नहीं खा सकती होगी। ये पकड़ो पप्पू, पकड़ो। और हाँ गाइस, मैं 9 साल की होने वाली हूँ, मेरा पूरा पेट लंबा होते जा रहा है और मम्मी के जुराब मेरे में आते जा रहे हैं। और हाँ, ये बुखार भी हो रहा है। दादी पता नहीं कब फ्री होंगी और मैं जाऊँगी फिर डॉक्टर के पास। मैं कल नहीं गई थी गाइस, हमने इसी से थर्मामीटर से चेक किया था। मैं रात को जगी थी तब तक तो मम्मी पापा सो गए थे। आपको पता है मेरे को जब आप लोग सो गए थे सर में पूरा दर्द हो रहा था, फट रहा था मेरा सर। मैं सोच रही करूँ तो करूँ क्या। अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। दादी फ्री हो गई, ऊपर आ रही है, और मैं बाल बना के जाऊंगी, फिर मैं यहाँ से आऊंगी। और मम्मी आपको तब तक, मम्मा अभी जाना है कि ऐसे चली जाऊँ ऐसे। चलो मम्मी, मम्मी मेरा थोड़ा ऊपर ऊपर जा रही है। और वैसे मेरे बाल पहले लंबे थे, और मम्मी मेरा बाल झाल रहे हैं, वो भी आराम आराम से। मुझे दवाई, एक दवाई पिला दी वो भी बची है, और दो गोली थी, एक मैंने कल खाई है और एक बची है आज, तो दो थी, एक मैंने खा ली एक बच गई, और वो भी मैंने खा लिया। मम्मी मेरे आराम से बाल झड़ रहे हैं, आज कल तेल लगा लिया था ना तभी। और आप सोच रहे हो कि मेरे बाल पहले लंबे थे ना। गाइस मेरे बाल लंबे होने से मैं मम्मी झाड़ती थी तो दर्द होता था, तो मम्मी ने मेरे बाल इतने कर दिए, कहा कि इतने ही रहने दो। और हाँ, इतने में मुझे दर्द भी नहीं होता है। बस मम्मी आधे छोड़ दिए आधे बांध रही हैं, तो मतलब ये मेरा, मम्मी पहले ऐसे बांधती थी मेरी छुट्टी है ना, बचपन में बांधती थी, तब तक शायद मैं बचपन में ये ब्लॉग नहीं बनाती थी। और गाइस आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी दिखाए करिए वीडियो, बहुत मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं, हम टाइम हो कि ना हो फिर भी कैसे भी करके तो बनाते हैं। आज बुखार है फिर भी मैंने बनाया, प्लीज़ आज तो मुझे 10 लाइक्स दे दो, फिर मैं मान लूँगी आप हमें कितना प्यार देते हो। बस 10 लाइक्स। चलो अब दादी आ रही है तो दवाई लेने जाना। फिर दादी आने वाली है और हम आपको अब दबा रहे हैं। तेल रखा है क्या? हाँ, कौन सा तेल? वही है। मैं थक चुकी हूँ, मेरी चोटी बन गई है, नहीं चोटी नहीं बनाई। अच्छा ये वाला? हाँ, पका हुआ तेल है। मम्मी ने साइड क्लीफ लगा दी है,
हाँ क्लिप लगा दिया। तो गाइस अब मेरी दादी आने वाली है, बस मेरे चीकों को मालिश करके बाद में मैं जाऊंगी। और ये ब्लॉग उतना भी लंबा नहीं है, मैं इसको शाम तक स्टॉप कर दूंगी, मतलब कि ये फाइनल हो जाएगा। तो अभी मैं आपको शायद एक मिनट में मिल लूँ, थोड़ा सा वेट तो करना चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, प्लीज़ देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। 10 लाइक्स बस दे दी, मैं मान लूँगी आप मुझे कितना प्यार दे रहे हो, प्लीज़। तो मैं आपको कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।